go, give it all. Anywhere you said, anywhere you said, anywhere. Hi everybody, welcome back. I'm Disha and I'm here to help you transform your house into a home. आज सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है आज, क्योंकि यहाँ वेदर पुणे में बहुत अच्छा है, तो मैं अपनी बालकनी के सामने बैठी हुई हूँ और कैमरा बालकनी में रखा हुआ है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्ले से दो कुछ डिफरेंट तरीके के DIYs, क्योंकि मैं आपको क्ले बनाने की रेसिपी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हम एक सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको क्ले के ढेर सारे क्राफ्ट्स बताऊंगी और ये अलग अलग एपिसोड होंगे। तो आज के एपिसोड में मैं आपको दो DIYs बताऊंगी, बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपने पहले बहुत बनाए होंगे, क्ले के टी लाइट्स बनाए होंगे, प्लांटर्स बनाए होंगे, वॉल प्लेट्स बनाई होंगी, फ्रिज मैगनेट्स बनाए होंगे, लेकिन ये जो दोनों मैं आज क्राफ्ट्स शेयर करने जा रही हूँ, ये थोड़े से यूनिक हैं। एक है ब्लू पॉटरी, जयपुर जो ब्लू पॉटरी होती है उससे इंस्पायर्ड एक बॉल बनाएंगे, और एक फेस स्कल्प्ट करेंगे अफ्रीकन ट्राइबल वुमन का। तो ये दोनों ही बहुत डिफरेंट DIYs हैं। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद जयपुर ब्लू पॉटरी इंस्पायर्ड बॉल। तो इसके लिए आपको एयर ड्राई क्ले लेनी है। एयर ड्राई क्ले मैं आपको लिस्ट कर दूंगी, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, कुछ मैं यहाँ स्क्रीन पे भी ऐड कर देती हूँ। इन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होममेड एयर ड्राई क्ले की रेसिपी भी मैं उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। लेकिन होममेड एयर ड्राई क्ले जो होती है वो ड्राई होने के बाद काफ़ी श्रिंक हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप उससे कोई भी बनाएं क्राफ्ट, तो वो याद रखें कि जब वो ड्राई होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन द DIY। अब इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वर्क सरफेस को डस्ट कर लेना है टेलकम पाउडर या फ्लावर से। रोल आउट करना है ड्राई क्ले को, और कोई भी अपना पसंदीदा पैटर्न एक पेपर कटआउट पे बनाकर तैयार कर लीजिए, और उसको इस पे आपको ट्रेस करना है। ऐसे ही आप बहुत सारे अलग अलग कटआउट रेडी करके और इस पर क्ले पर उसका इम्प्रेशन रेडी करिए, और किसी भी एक टूल से आप उसको एनग्रेव करिए, जिससे कि पैटर्न बिल्कुल उभर कर आए, अच्छा सा दिखे। और यहाँ पर मैं पेन की जो कैप होती है उससे इम्प्रेशन क्रिएट कर रही हूँ। ज़्यादा अगर आप ज़ोर से हार्डली इसको प्रेस करेंगे तो आप होल भी बना सकते हैं, तो वो भी एक पैटर्न हो सकता है, और अगर लाइटली आप जेंटली प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा। तो दोनों ही तरह से मैंने यहाँ ट्राई किया है। अब इसको हम एक बॉल के ऊपर या बास्केट के ऊपर या जैसा भी आप शेप देना चाहें उसके ऊपर उल्टा करके इसे डाल देंगे, ओवरटर्न कर देंगे, और जैसा आप शेप देना चाहते हैं वैसा दे दीजिए। उसके बाद इसे सेट करने के लिए, क्योर होने के लिए रख दीजिए। ये कुछ 5 से 6 घंटे लेगी एयर ड्राई क्ले, कभी कभी 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। अब जब ये ड्राई हो जाएगी, इसके बाद इसे हम एक्रेलिक पेंट से पेंट करेंगे। तो जयपुर ब्लू पॉटरी जो होती है वो मोस्टली ब्लू एंड येलो कलर उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइट भी होता है, वाइट की शेडिंग भी होती है, लाइट ब्लू की शेडिंग होती है, तो वैसे ही कलर्स मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं और शेडिंग भी की है। अब बाहर जो है इसको सिंगल एक प्लेन सॉलिड कलर में रहने देंगे। जब सूख जाएगा सब कुछ तो इसको एक प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वार्निश देंगे, एंड इट्स रेडी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बॉल का यूज़ क्या है, तो ये रहे इसके ढेर सारे यूजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट DIY, विच इज अफ्रीकन वुमेन स्कल्पचर, या कह लीजिए कि 3D पेंटिंग।
इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक बेस लेना है जो कि आपकी पेंटिंग का बैकग्राउंड होगा। तो मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ वो बहुत ही रफ सा एक कार्डबोर्ड है जो कि पेपर पल्प से बना हुआ और फाइबर्स से बना हुआ है, और इसको मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए इसके बैकग्राउंड पे मैं टेक्सचर ऐड करूँगी। टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी और वाइट ग्लू का पेस्ट लिया है, और उससे बैकग्राउंड को जो है वो टेक्सचर्ड बनाएंगे जिससे कि थोड़ा सा वो इम्प्रेसिव लगे। अगर आपके पास कैनवस रेडी है या आपके पास बैकग्राउंड है जो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है तो आपको ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन कम्प्लीटली स्किप दिस स्टेप एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑल राइट, तो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपको क्ले को लेकर और अपना स्कल्पचर तैयार करना। तो यहाँ पर मैं एक अफ्रीकन ट्राइबल वूमन का स्कल्पचर बना रही हूँ। तो राउंड सा शेप रखेंगे फेस का, तो वो सिर्फ एक हमने फेस का शेप जो है वो बैकग्राउंड पर स्टिक कर दिया है। अब फेशियल फीचर्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्ले का छोटा छोटा अमाउंट लेकर और जो भी फेस पर उभरे हुए पार्ट्स होते हैं लाइक प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं लाइक फोरहेड, चीक्स, नोज एंड चिन, इन सभी पर उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम प्लेस करेंगे, और उसके बाद फिंगर को करना है पानी में डिप और क्ले को स्मूदन आउट करना है, और इसी तरह से शेप देते जाना है जब तक कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको ना मिल जाए। इनिशियली आपको शेप में उतना आप प्रो नहीं हो पाएंगे, तो बस प्रैक्टिस करते जाइए, पुश एंड पिंच करते जाइए। अगर नहीं आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप इसको फिर से हटा दें, क्योंकि एयर ड्राई क्ले जो है वर्केबल होती है, बहुत ईजी है उसको स्कल्प्ट करना, इतनी जल्दी वो ड्राई नहीं होती है, तो आप ईजीली उसको रीशेप कर सकते हैं। तो अगर शेप ख़राब लग रहा है आप एयर ड्राई क्ले को हटा दीजिए और फिर से शेप देने की कोशिश करिए। तो ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप करते जाइए और सीखते जाइए, डेफिनेटली आप इसको मास्टर कर लेंगे। तो शेप देते जाना है, और शेप देने के लिए आप घर में ही पड़े टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक ब्रश है, स्क्यूअर्स हैं, मैच बॉक्स है, मैच स्टिक है, स्क्रू ड्राइवर है, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फेस हो गया है स्कल्प्ट, अब हम बनाएंगे हेड गियर। हर अलग अलग कम्युनिटीज़ जो आप देखते हैं सबका एक डिफरेंट हेड गियर होता है जो कि उसकी पहचान होता है, तो उसी तरह से ये अफ्रीकन ट्राइबल वूमन का भी जो हेड गियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं उसी से इंस्पायर्ड यहाँ पर हेड गियर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड की पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटी और उन्हें ओवरलैप किया अल्टरनेटली। अब हेड गियर बन गया है, अब बनाएंगे ज्वेलरी। तो आपने देखा होगा ट्राइब्स जो होती हैं वो ज्वेलरी ढेर सारी पहनती हैं, उनके गले में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होती है। तो अभी क्या करेंगे, क्ले से ही, क्ले को ही मोल्ड कर करके उसको, क्ले को रोल भी करेंगे, उसकी कॉइल भी बनाएंगे और नेक में ढेर सारी लेयर्स बनाएंगे ज्वेलरी की, और उन पर एनग्रेविंग के लिए हम टूल्स यूज़ करेंगे। टूल्स में आप एम्प्टी रिफिल ले सकते हैं, कोई पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, कोई भी टूल जो आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके अलाउ करे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज्वेलरी भी बन गई है, अब इसको पेंट करेंगे। इसको पहले अच्छे से ड्राई होने देंगे, एयर ड्राई के लिए यूजुअली 4 to 6 hours लेती है ड्राई होने के लिए, अगर थिक है तो मैक्सिमम 12 hours लगेंगे। उसके बाद इसे एक्रिलिक पेंट से हमें पेंट करना है।
अब जब कलर्स भी पूरे ड्राई हो जाएंगे तो इसे हम एक प्रोटेक्टिव कोट देंगे वार्निश का। तो वार्निश जो है वो लिक्विड वार्निश भी यूज़ की जा सकती है और स्प्रे वार्निश भी यूज़ की जा सकती है। तो सबसे पहले मैंने इस स्कल्पचर का जो फेस है वो ब्लैक पेंट किया। अब वो ब्लैक जो था वो बहुत शाइनी लग रहा था, तो मुझे लगा कि ये उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे ब्राउन पेंट करके थोड़ा सा टोन डाउन किया जाए। तो मैंने उसे ब्राउन पेंट करके एक डिज़ास्टर कर दिया। तो ये थे आज के दोनों DIYs। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। मेरी फेसबुक कम्युनिटी ने ये दोनों रिक्रिएट किए हैं और मैं सारे रिक्रिएशंस जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये है मेरा फेसबुक आईडी। अगर आप ट्राई करें तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप या तो ये वीडियो देखें। ओ, मेरा कैमरामैन नीचे बैठा हुआ है और वो मुझे हंसा रहा है। ओ, ट्रेन को भी अभी बोलना है। चिड़िया भी क्या क्या चिड़िया भी अभी बोल